हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह कंटेंट और मैं लेकर के आया हूँ। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो हमारा ओप्पो की फाइल, ओएपी फाइल जो आती है, उसको हम कैसे स्ट्रैक करते हैं बिना किसी डोंगल के, किसी बिना टूल के। हम वहाँ पे ओएपी फाइल को स्ट्रैक करने वाले हैं, ना कि यूएमटी, ना कि ओएफआई, किसी भी एनी बॉक्स, कोई भी बॉक्स यूज़ नहीं करेंगे। और उस फाइल को कैसे स्ट्रैक करते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए, हम जब फाइल डाउनलोड करते हैं इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसको आपको करना है अनजिप, तो यहाँ पे स्ट्रैक टू आप कर लोगे। जैसे आप इसको स्टैक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ओएपी फाइल देखने को मिलेगी। आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही आप ओप्पो की फाइल आप डाउनलोड करोगे तो ओप्पो या रियलमी आपको यहाँ पे ओएपी फाइल दिखाई देगी। अब ये ओएपी फाइल या तो आपका मीडियाटेक होगा या तो क्वालकॉम होगा। जब आप इसको स्टैक करोगे तो अगर मीडियाटेक होगा तो स्कैटर आ जाएगा, क्वालकॉम होगा तो फायरस डॉट एमबीएन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ओएपी फाइल है। अब ओएपी फाइल को हम कैसे स्टैक करते हैं बिना किसी टूल के, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा, तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि हम इसे कैसे स्टैक करते हैं। तो चलिए, एक टूल है हमारे पास, ओएपी स्ट्रैकर का एक टूल है। तो ये टूल में मैंने पैकेज है, आपको मैं लिंक दे दूंगा सारी चीज़ें। तो इसमें जाना है आपको और उसके बाद अंदर जाना है टूल, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एमटीके ओएपी स्ट्रैकर है, आप देख सकते हैं। बस इसको आपको राइट क्लिक करना है, मतलब ओपन कर लेना है, यस कर लेना है। बहुत इजी तरीके से बिना किसी बॉक्स और कोई भी वर्जन, यहाँ पे वर्जन का भी इशू नहीं है, फ्री में आपका हो जाएगा। तो देखिए, ये इंटरफेस खुल चुका है। ये टूल बेसिकली जो आप एमसीटी टूल आप यूज़ करते हैं उन्हीं का एक टूल है, एमसीटी का ही आपका स्क्रिप्टर टूल है यहाँ पे। तो करना क्या है सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइल देना है जो आपकी ओएपी फाइल है। तो हमारी फाइल रखी हुई है डेस्कटॉप पे, ये देख सकते हैं जो हमने स्ट्रेक की हुई थी। तो इस फाइल को आपको ले लेना है। अब देखिए, हमारी फाइल यहाँ पे लोड हो चुकी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको लोकेशन लेना है जहाँ पे भी आपको इसको स्टोर करना है। तो मैं भी डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, न्यू फोल्डर में चला जाता हूँ। तो स्टैक का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए स्टैक का बटन आ रहा है। सिंपल और सिंपल हमें यहाँ पे स्टैक पे क्लिक कर देना है। जो भी वर्जन की फाइल होगी यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ईजी तरीके से स्टैक हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में या इससे पहले आपने हमारी काफ़ी सारी वीडियो देखी है कि हम फाइल को कैसे स्टैक करते हैं या फिर कैसे फ्लैश करते हैं मीडियाटेक सीपीयू को। कोई भी फ़ोन हो, चाहे वो रियलमी हो, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वो वीवो हो, कैसे हमें फ्लैश करना है वो सारा चीज़ हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। मैंने स्टैक करके नहीं बताया था, तो मैंने सोचा एक छोटा सा स्टैक करके भी बता दें आपको। ये बिना किसी टूल, UMT, Miracle या फिर जो भी है, एनी टूल, अनलॉक टूल, कोई भी टूल यूज़ मैंने नहीं किया हुआ है। ये MCT का ही टूल है जिसमें आप ऑथ को बाईपास करते हैं, और वही टूल है, उसके अकॉर्डिंग उन्हीं का टूल है ये। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे यूज़र डाटा अभी हो रहा है। तो अभी आपको जहाँ पे स्टैक हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि ये हमारा स्टैक हुआ कि नहीं हुआ, और ये वर्क करता है कि नहीं करता है। इसके बाद भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा कि कैसे इसको, ये हमारा जो फाइल स्ट्रक हुआ है कि एक्चुअल में काम करता है कि नहीं करता है। तो आपको जहाँ पे आपने सेव किया था आप डायरेक्ट वहाँ भी जा सकते हो। बाकी आप इसको एक बार क्लिक करोगे तो सीधा इसके लोकेशन पे भी आप पहुँच जाओगे। तो स्ट्रक, और ये देख सकते हैं हमारी स्कैटर में आ चुकी है। अगर हम इसको बैक जाएँ और इसकी साइज़ को अगर हम मैंसन करें तो इसकी साइज़ आप देखोगे तो हमारी यहाँ पे 5 GB की फाइल दिख रही है, और ये जो हमारी स्ट्रक वाली फाइल थी ये हमारी 2 GB की समथिंग फाइल है, 2.2। तो ये जो हमारी पर्टिकुलर स्टेक हो चुकी है और 100% वर्क करेगा। अभी कैसे काम करता है नहीं देखा है आपने तो हमारे वीडियो में आप जा करके देख सकते हो कैसे हम फ्लैश करते हैं। तो ये ओपी फाइल को स्टेक करने का बहुत ही इजी तरीका। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।